सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों पर फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग स्पेशली CISF कांस्टेबल और फायरमैन की 1149 पोस्ट की वैकेंसी का रिटर्न एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालाइज्ड क्वेश्चन है उन सभी का जो सीरीज़ है इसमें छठे नंबर सीरीज़ की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 5 वीडियोज़ मैं दे चुका हूँ इन सीरीज़ के ऊपर, तो अगर आपने अभी उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जा करके देखिए। वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के दोस्तों सेशन में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं और देखते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो। साथ ही दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप भी CISF कांस्टेबल फायरमैन के एग्जामिनेशन को देने वाले हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हों आप उसको नोट डाउन करते जाओ, ताकि आपके लास्ट में रिविजन के समय में ये सारे चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, यानी एक सोसाइटी जिसका नाम अभिनव भारत सोसाइटी है इसके द्वारा बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुलिन बिहारी दास, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अरविंदो घोष और ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। तो दोस्तों इसमें से आपका जो सही जवाब हो जाएगा आप उसको अपने मन में सोच के रखो या फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करो या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो दोस्तों जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में, ठीक है। और इसमें दो भाई शामिल थे, दो भाइयों के द्वारा कराई गई थी। एक है आपके गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर, और एक हो गए आपके विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर के द्वारा दोस्तों जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरविंदो घोष की दोस्तों बात करें तो अरविंदो घोष तो थे अतिम्य सभा, ठीक है, अतिम्य जो सभा है उसके संस्थापक थे। भगत सिंह की दोस्तों बात करें तो HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के दोस्तों जो ये थे अध्यक्ष थे, कौन? भगत सिंह। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू आपका कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, यानी एक पुस्तक जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखी थी, ठीक है। आपके ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आपके एग्जामिनेशन में आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं द इंडियन स्ट्रगल के बारे में, तो ये लिखे थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। और ये दोस्तों जो बुक है ये 1920 से आपके 42 तक की, ठीक है, 1920 से 42 तक की आपकी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको ये डिस्कस करती है, यानी भारत के इतिहास के बारे में बताती है। कब से कब की? तो 1920 से लेकर के 1942 तक की। और ये किसने लिखा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर होता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो पर्सन खुद से लिखता है, यानी अगर आप अपने जीवन के बारे में लिख रहे हो तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बायोग्राफी कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो बुक है जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो इसके बाद इस बुक को जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है। 1948 में इस बुक को जो है बैन कर दिया गया था, जो भी सरकार थी उस समय भारत में, यानी 1942 तक का ये जो दोस्तों भारत का इतिहास है उसके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था, लेकिन 1948 में इसे इंडिया ने बैन कर दिया था। फिर उसके बाद इस पुस्तक की उतनी कॉपियां मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने एक नारा भी दिया था, दिल्ली चलो का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा दोस्तों इन्होंने दिया था। इसी के साथ में इन्होंने जो है INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह और जो आपके रास बिहारी बोस हैं उनके साथ मिलकर के इन्होंने जो 3 ब्रिगेड है यानी फौज में यानी INA में 3 ब्रिगेड का निर्माण कराया था, जिसमें से कि एक ब्रिगेड थी दोस्तों जो महिला ब्रिगेड थी उसका नाम था झांसी, ठीक है, झांसी ब्रिगेड, ठीक है। उसका किसने बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महिला ब्रिगेड बनाया था आपके INA में यानी इंडियन नेशनल आर्मी में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि एजेंडा 21 रियो समिट 1992। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1992 में रियो एक जगह है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। यहाँ पे एजेंडा 21 यानी कि 21 एजेंडा थे उस प्लान में और उसी को एजेंडा 21 नाम दे दिया गया, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली चलो, ठीक है, तो ये किसने दिया था? तो उसी तरह से आपका एजेंडा 21 एक टॉपिक हो गया जो कि रियो समिट में डिस्कस किया गया था 1992
1992 में। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था? आपके ऑप्शन है कम्बेटिंग द कंक्यूशंस ऑफ ए काउज बाय द इमिजन ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होने वाले परिणामों का मुकाबला करना। ऑप्शन बी है जनसंख्या विस्फोट के परिणामों का मुकाबला करना। ऑप्शन सी है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए विकासशील देशों के प्रौद्योगिक हस्तांतरण करना। और ऑप्शन डी है आपका सतत विकास। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। दोस्तों ये होता क्या है, मीन्स कि एक कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो उस चीज़ को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि यानी आपके जो आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे अगर मान के चलो ये एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं और मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, अपनी अपने ज़मीन को बनाना है यानी अपना मकान बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारे पेड़ को काट दूँगा। लेकिन इन पेड़ को काटना नहीं है, अगर मैं काटता भी हूँ तो इसको अगल बगल प्लांट करना होगा ताकि जो मेरा फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है, इसका डिफिनेशन यही कहता है कि सामान का निर्माण करे लेकिन फ्यूचर की चीज़ों को बचा करके। तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई थी आपके 1992 में हुई थी, आपके ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, और यहाँ पे इसके ऊपर बात की गई थी, किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एजेंडा 21। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल की बात दोस्तों करें तो ये आपकी हो जाएगी ब्राज़ीलिया। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है ब्राज़ील की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ब्राज़ील को दोस्तों वैसे सांपों का देश भी कहा जाता है, कंट्री ऑफ एसने किसे कहा जाता है, तो आपकी ब्राज़ील को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि भारत के आधुनिक काल में स्थानीय शासन की जो शुरुआत है वो किसके प्रशासन से जुड़ी है, यानी किसके समय में, किस वायसराय के समय में जो है आपकी जो आधुनिक काल में यानी जो आपके मॉडर्न इंडिया है वहाँ पे जो स्थानीय शासन यानी इसको क्या कहते हैं हम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिस तरह से आज आपके समय में पंचायती राज विभाग है, जैसे जो गांव वगैरह हो गए वहाँ पे आपके मुखिया जी लोग पाए जाएंगे, सरपंच लोग पाए जाएंगे, यानी जो लोकल बॉडी है सेल्फ गवर्नमेंट एक तरह से कहें, तो इसकी शुरुआत किसने की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी आपके लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों जो लॉर्ड इसमें से कौन से लॉर्ड के समय में जो है इस चीज़ को शुरुआत की गई थी यानी सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है ये 1882 में किया गया था, और 1882 में अगर बात करें हम इंडिया में तो उस समय लॉर्ड रिपन जो थे यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, और इनके समय में ही इसको शुरू किया गया था, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों जो है ये लॉर्ड रिपन को जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों कुछ और नाम दिए गए हैं यहां पर, जैसे कि लॉर्ड इरविन दिया गया है, तो लॉर्ड इरविन का दोस्तों जो समय है यानी आपकी ये 1931 के टाइम में जुड़ा हुआ है, जो कि सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कि आपके गांधी जी ने पार्टिसिपेट यानी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। लॉर्ड डफरिन की बात आई तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में ही INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो दोस्तों लॉर्ड जो थे ये एक तरह से क्या है, तो कहा जाए कि अगर ब्रिटिश काल में कोई अच्छा जो शासक हुआ है ये लॉर्ड कैनिंग ही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर। ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में पहली बार आक्रमण किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा सकता है क्योंकि मोहम्मद शाह जो अब्दाली थे ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, ये दोस्तों लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले दो बैटल ऑफ पानीपत हो चुके हैं, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट और बैटल ऑफ पानीपत सेकंड, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है शेर शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है अकबर सेकंड। दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और इस समय भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज दोस्तों कंटिन्यू आपकी चलेगी जब तक आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए, और ये सीरीज जो दोस्तों है आपके GK GS को हेल्प करने में यानी
25 out of 25 स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, तो बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहें दोस्तों तो ये 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था आप सभी को पता होगा, ये हुआ था दोस्तों आपके बाबर के बीच में, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बात करें तो दोस्तों ये आपके हेमू, ठीक है, हेमू के बीच में और किसके बीच में, तो अकबर के बीच में। अकबर का उस समय सेनापति कौन हुआ करता था, तो दोस्तों उसका जो नाम था बैरम खान, ठीक है, बैरम खान के बीच में दोस्तों हुआ था कौन सा, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों मोहम्मद शाह अब्दाली और ये आपके मराठों के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1761 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने किसके समय में यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो दोस्तों उस समय जो है भारत में आपके अहमद शाह अब्दाली के समय में यानी 1748 में इसने जो है आक्रमण किया था भारत पर। कब किया था, 1748 में, 1748 में पहली बार आया था। और उस समय दोस्तों जो थे यहाँ के राजा ये थे आपके मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह जो थे। अब बात करें यहाँ पे कि एक और किंग के बारे में बताया गया है जिनका नाम है शाह आलम सेकेंड, ठीक है, शाह आलम सेकेंड दोस्तों जो थे ये आपके 1857 यानी एक तरह से कहें कि मुगल के जो लास्ट किंग हुआ करते थे ये बहादुर शाह जफर सेकेंड हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन शाह आलम द्वितीय जो थे दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किए थे आपके 1857 में। और बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर दोस्तों जो थे सेकेंड, ये आपके जो कहा जाए कि मुगल का लास्ट रूलर जो हुआ ये आपके बहादुर शाह जफर सेकेंड हुए थे, इनको शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट की दोस्तों बात करें अगर यानी हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपके ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न और ऑप्शन डी वेनस। मार्स यानी कि मंगल, ठीक है, आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, आपका सैटर्न यानी शनि और आपका वेनस यानी शुक्र। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोलर सिस्टम में तो सबसे पहले जो दोस्तों होता है सोलर सिस्टम का जो हेड हो जाता है ये कौन होता है, आपका सन, ठीक है, सोलर सिस्टम का हेड कौन हो गया, सन। सन के बाद दोस्तों आप पोजिशन देखते जाओ तो मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। मरकरी यानी बुध, वेनस यानी कौन सा आपका हो गया शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस मींस अरुण और नेपच्यून मींस वरुण, ठीक है। पहले दोस्तों प्लूटो भी ग्रह हुआ करता था लेकिन अब प्लूटो ग्रह नहीं है। तो ये आपके 8 सोलर सिस्टम में प्लानट हो गए, इनमें से सबसे बड़े की बात किया दोस्तों तो सबसे बड़ा जो प्लानट आपका हो जाएगा ये आपका जुपिटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जुपिटर यानी बृहस्पति दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा प्लानट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं जुपिटर के सबसे बड़े सैटेलाइट के बारे में तो दोस्तों वो है गाइनामेडा, ठीक है, गाइनामेडा दोस्तों जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सैटेलाइट या फिर पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है तो ये आपका मून है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों आपके मार्स की मैं बात करूं तो मार्स के 2 सैटेलाइट्स है फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ये दोस्तों 2 सैटेलाइट है किसके, तो आपके मार्स के और आपके जुपिटर के, मैंने बता दिया गाइनामेडा। यहाँ पे बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स किस प्लैनेट के हैं तो आपके सैटर्न के हैं, कितने हैं तो आपके 82 है फिलहाल में। जुपिटर की बात करें तो दोस्तों ये 79 है, ठीक है, और वेनस की बात करें तो वेनस का कोई यानी शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं है, और मार्स की बात करें तो मार्स के 2 सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है फिलहाल में अगर पूछा जाए कि जो सोलर सिस्टम है इसमें से सबसे जो बड़ा सैटेलाइट है यानी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की संख्या किसके पास है, तो ये दोस्तों आपके सैटर्न के पास हो जाएगा। पहले जुपिटर के पास था लेकिन अब सैटर्न हो गया है, कितना, तो 82। तो यानी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स दोस्तों किसके पास है सैटेलाइट, तो ये आपके सैटर्न के पास है। जुपिटर के पास में कितना है तो 79 है, मार्स के पास में कितना है तो 2 है, और वेनस के पास में मरकरी और वेनस के पास में कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, और अर्थ के पास में कितना सैटेलाइट है तो 1 है, नेचुरल सैटेलाइट कौन है, इसका नाम है मून, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे नज़दीकी जो तारा है, नज़दीकी तारा कौन सा है, नज़दीकी तारा, तो दोस्तों आपका दोस्तों आपका हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंचुरी,
प्रोक्सीमा सेंचुरी दोस्तों जो है ये नियरेस्ट तारा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन ऑफ, यानी जो भारत के मुख्य चुनाव आयोग थे या फिर जो मुख्य चुनाव के मुख्य चुनाव आयोग है, इसका संबंध इनमें से किस इलेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन स्टेट्स, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों जो चुनाव आयोग है, सबसे पहले तो ये किस में आता है, तो आपका आर्टिकल 324 में आता है, ध्यान रखिएगा। पहले चुनाव आयुक्त आपके कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो आपके राजीव कुमार जी हैं। कौन है, राजीव कुमार दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 324 में आता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत के जो चुनाव आयोग जो है, इसका संबंध इनमें से किस इलेक्शन में नहीं होता है। तो दोस्तों जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो, यानी एक तरह से कहेंगे जो चुनाव आयोग है, इसका दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज, ठीक है। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर आपका राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है, सभी को पता होगा कि चुनाव आयोग जो है वो जारी हो जाता है, चुनाव आयोग कार्य करता है। लेकिन जो पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज का चुनाव होता है, इसमें चुनाव आयोग इनडायरेक्टली कार्य करके इस चीज़ को सॉल्व करता है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज का। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें, यानी MLA वगैरह का जो एग्जाम चुनाव होता है, विधायक वगैरह का, तब सभी को पता होगा कि उसमें चुनाव आयोग जो है वो मेन रोल यानी की रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, सुल्तान अजलान शाह जो कप है, ये किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो दोस्तों जो सुल्तान अजलान शाह का कप है, ये किस खेल से संबंधित है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ में संतोष ट्रॉफी का दोस्तों संबंध किससे है, डूरंड कप का संबंध किससे है, ठीक है। इसी के साथ में आपका डेविस कप का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संतोष ट्रॉफी है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, डूरंड कप आपके फुटबॉल से संबंधित है, और डेविस कप दोस्तों जो है ये आपके टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो सुल्तान अजलान कप है, ये दोस्तों आपका बेसिकली सिचुएटेड है आपके हॉकी से, और ये फर्स्ट टाइम आपके 1983 में हुआ था। 1983 में कहाँ पे हुआ था, तो मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में दोस्तों पहली बार हुआ था, और ये किससे संबंधित है, हॉकी से, ठीक है। इसके दोस्तों बात करें कि जो सुल्तान अजलान कप है यानी हॉकी है, हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती, तो दोस्तों 11 होती है। आपके क्रिकेट में भी 11 होती है, गोल्फ में दोस्तों आपके एक या फिर दो खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और टेबल टेनिस में भी आपके एक या दो खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपका जो खो खो होता है, ठीक है, खो खो और बेसबॉल, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बेसबॉल और खो खो में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन, यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की दोस्तों जो स्थापना है, ये कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1939। तो सबसे पहले दोस्तों यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है आपके सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेकर के कब तक चला था, तो ये आपके 45 तक चला था। और इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद सारे देशों को लगा कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि सारी स्थिति है उसको कंट्रोल करे, ताकि अगर मान के चलो कि इन फ्यूचर जो वर्ल्ड वार ना हो, अगर एक तरह से कहें कि एक परिवार है और वहाँ पे जो सारे सदस्य हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, यानी सबको लगे कि मैं सुपर हूँ, तो उस घर में एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए, यानी पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो कि अगर मान के चलो कि एक तरह से कहें कि जो घर का मुखिया होता है, ठीक है, लीडर होता है, ताकि कोई देश किसी के ऊपर अटैक ना करे, कोई करे भी तो उसको समझाए। तो इस चीज़ को यानी गार्जियन के रूप में दोस्तों यूनाइटेड नेशन की दोस्त स्थापना है ये की गई थी, ठीक है। तो ये कब की गई थी, तो आपके 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसी दिन हम इसको क्या कहते हैं, मनाते भी, यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बात करें दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में, तो ये आपके ट्रिक बेली जी थे, ठीक है, ट्रिक बेली दोस्तों जो थे ये इनके पहले अध्यक्ष थे। और बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है UNO के, तो दोस्तों अभी फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं आपके, ये इनको बनाया गया है एंटोनियो गुटेरेस को, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस को, ठीक है,
इसके साथ में दोस्तों एक और चीज़ यूएनओ से जुड़ी हुई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ये मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में मैनहट्टन द्वीप में न्यूयॉर्क यूएसए में है। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आज का दोस्तों जो सेशन होगा आपको मज़ा आया होगा सारे क्वेश्चन का आंसर देने में, और आई होप कि इन सारे क्वेश्चन का दोस्तों अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपकी दोस्तों जो कहें कि एग्जामिनेशन का जो एक तरह से कहें कि जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी भारत में पंचायती राज दोस्तों जो व्यवस्था है ये कब लगाई गई थी। आपके ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1962। तो दोस्तों आपके जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी आपके 1959 में। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर यानी जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन रहता है 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और पंचायती राज को जारी करने वाला पहला जो राज्य था वो था राजस्थान, और राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों पहली बार इसको लागू किया गया था। पंचायती राज क्या होता है, यानी कि उसका जो एक गाँव होता है उसका लीडर मुखिया होता है, ठीक है, मुखिया में आपके सरपंच जी आ जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था देखने वाले, ठीक है, वार्ड कमिश्नर वगैरह हो जाते हैं, आपके जिला परिषद हो जाता है। तो ये त्रिस्तरीय सिस्टम था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, और 1959 में इसको लगाया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इसी के साथ में दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में पंचायती राज मंत्री कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यानी पंचायती राज दोस्तों मंत्री वर्तमान में भारत सरकार के कौन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा और सारे सवालों के जवाब आपको अच्छे लग रहे होंगे और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है टॉपिक्स का आपने बना लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।